हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजा है और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर स्पार्क लाइंस को कैसे यूज़ किया जाता है। स्पार्क लाइंस बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 साल के नंबर्स हैं, लेकिन कभी कभार जब हम डेटा को मतलब कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास कभी कभार 10 साल का भी डेटा होता है, ज़्यादा सालों का भी होता है, कभी कभार कम सालों का भी होता है। और कुछ लोग नंबरों को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, और ऑफ कोर्स नंबरों को पढ़ना मुश्किल है निस्बतन चार्ट के। तो स्पार्क लाइंस जो है वो आपके छोटे छोटे चार्ट बना करके आपको आइडिया देता है कि किस तरह से मतलब आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म करे, आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करिए। जैसे में बस ये रखिएगा कि जब आप स्पार्क लाइन अप्लाई करते हैं तो आपके जो जो कॉलम्स हो वो नेक्स्ट टू ईच अदर हो, या अगर आप नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो रोज हो वो मतलब एक दूसरे के साथ लगे हुए, मतलब आप रिटेल का, ऑर्डर का और इस साल का जो कि बीच में गैप के साथ है, इनका आप स्पार्क लाइन निकाल सकते हैं। जरूरी है कि आपके तीनों के तीनों जिनका आपको कंपेयर करना हो, तीनों के तीनों एक ही लाइन में एक साथ लगे हुए, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग स्पार्क लाइन। सो आपको क्योंकि स्पार्क लाइन इस जगह पे लगानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम स्पार्क लाइन इंसर्ट टैब में है, हम इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर 3 तरह के डिफरेंट स्पार्क लाइन्स मौजूद हैं। हम पहले लाइन लर्न करेंगे, लाइन सबसे बेहतर है मेरी परसेप्शन के हिसाब से, बाकी दूसरी भी हम जरूर सीखेंगे। सो मुझे इस सेल में स्पार्क लाइन लगाना है ताकि मैं इन 3 सालों का डेटा कंपेयर कर सकूँ। तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा स्पार्क लाइन को, इसने मुझे कहा कि ठीक है आपको आंसर तो यहाँ पर डेटा जो यूज करना है वो यूज करना है, यहाँ से लेके 2013 से लेके और 2014 तक। तो मैं लेफ्ट माउस की को प्रेस करके मैंने ऑल द वे जो है वो ड्रैग कर दिया माउस को 2015 तक और मैंने क्लिक कर दिया ओके। तो आप देखें नंबर्स पढ़ के फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस डिजाइन से मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस जो है वो पहले साल तो बहुत अच्छा ऊपर गया, इस साल थोड़ा सा कंपेरेटिवली मतलब इतना तेज नहीं गया, लेकिन फिर भी बेहतर है। बाकी नंबर्स भी आपको वन बाय वन करके पढ़ने पड़ेंगे तो आपको बिजनेस का पता चलेगा, लेकिन अगर आप सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर लें, सिंपल वही जो फॉर्मूला कॉपी करने का फॉर्मूला है कि आप सिंपल ये जो आपके पास फिल हैंडल है उसके पास जाएं और जब ये बारीक क्रॉस बन जाए इसको आप सिंपली ड्रैग डाउन कर लें। आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा स्टेडी है ऊपर जाने में, तो आपको मुश्किल नहीं होगी डेटा को समझने में। जस्ट एक चीज आप ये देख रहे हैं कि मैंने जब इसको ड्रैग डाउन किया है तो मेरे तमाम के तमाम सेल्स येलो हो गए, तो इनको कॉपी करना बड़ा आसान है। आप सिंपल आपको अगर व्हाइट सेल चाहिए, व्हाइट कलर करना है सेल्स को, आप इसको सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर में आ जाइए और इसको डबल क्लिक कर दिए। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। अब आप जहाँ जहाँ पे आपको व्हाइट करना है उन जगह पे जाके आप सिंपल क्लिक करते जाएं, ये आपके सारे के सारे दोबारा से सही पोजिशन में आ गए। अब दोबारा से फॉर्मेट पेंटर में आ जाए, इसको इस बटन को ऑफ कर दें तो आपका ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस अप है, कौन सा डाउन है, यहाँ से हो गया। दूसरा तरीका जो है वो कॉलम्स का है, अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कंडीशन फॉर्मेटिंग सॉरी स्पार्क लाइंस अप्लाई करनी है। अच्छा, स्पार्क लाइंस आपकी जब इंसर्ट टैब में तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे अगेन, और जब इंसर्ट टैब में है तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको कॉलम सेलेक्ट करने। कॉलम्स इस मतलब इतना बेहतर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपको ये बता देंगे आपका बिजनेस जो है वो मतलब प्रॉफिट में है या फिर मतलब बिजनेस कुछ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। नंबर जो है वो कोई ऐसा सच इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन लेट्स डू दिस पार्ट। तो अगेन इसका भी सवाल यही है कि कहाँ कौन सा डेटा यूज करना है और कहाँ पे आंसर चाहिए। तो डेटा इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया कि मेरा N8 में आएगा और जहाँ यहाँ से लेके और यहाँ तक के साल मुझे ऐड करने, अगर 10 साल है तो आप 10 साल को इस तरह ड्रैग कर लें, 15 साल है 15 साल को ऐड कर लें, मतलब आपको सिर्फ ड्रैगिंग करनी है। ऑल द नंबर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपके, आप सिंपल इसको ओके कर दें और ये आपका डेटा कॉपी हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा पहले 2500 था, फिर वहाँ से 3800 हो गया, फिर 4200 हो गया, लेकिन इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरा वाकई डेटा वाकई इम्प्रूवमेंट दैट मच है। मतलब अगर आप देखें तो आपको इम्प्रूवमेंट तो नजर आ रही है, लेकिन जो फर्क है इम्प्रूवमेंट का आपको उसका नहीं पता चल रहा। आपको पता चला कि आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है, लेकिन कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 3800 और 4200 में सिर्फ 400 का फर्क है, बट ये ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। और अगर आप बिजनेस जब बाद में देखेंगे जहां पर बिजनेस में फर्क सिर्फ $100 का भी होगा, उसको भी ऐसी ऊपर भी दिखाएगा। सो लेट्स लर्न हियर द सेम थिंग। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूं
फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें जहां पर बिजनेस जो था वो दो मरतबा ऊपर है और एक मरतबा नीचे है, तो इसने सिर्फ ये शो कर दिया कि बिजनेस दो मरतबा ऊपर है एक मरतबा नीचे, लेकिन इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि बिजनेस लॉस में है कि क्या है। इसमें आपको ये भी नहीं पता चला कि कितना प्रॉफिट है, मतलब अगर आप देखें इसमें और इसमें सिर्फ $100 का फर्क है, लेकिन शो ये ऐसे ही कर रहा है जैसे ये बहुत हाई फर्क है। तो अगेन ये भी एक तरीका क्या है अपना, मतलब ये आपको सही पिक्चर नहीं नजर आती इसके अंदर। यहाँ पर से बस आपको ये पता चला कौन सा आपका बिजनेस प्रॉफिट में है और कौन सा लॉस में है, तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हैं। अगेन ये भी आपको सही पिक्चर नहीं दिखाता, इससे बस आपको प्रॉफिट और लॉस के फिगर्स को डिफ्रेंशिएट करता है। सो दोबारा से अप्लाई करते हैं, इंसर्ट टैब में जाइए और इंसर्ट टैब में जाने के बाद विन और लूज वाला ऑप्शन है वो क्लिक कीजिए, और उसके बाद अगेन इसने वही कहा कि ये आपको करके दे रहा है O8 में, आपका आंसर O8 में दिखाएगा और डेटा की रेंज है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो डेटा मेरा 2013 से लेके 2015 तक का है, मैंने सिलेक्ट किया और क्लिक ओके कर दिया। अब आप देखेंगे तीनों के तीनों क्योंकि प्रॉफिट में थे, इसने तीनों के तीनों को ऊपर दिखा दिया। ये सिर्फ सिर्फ हमें लॉसेस को शो करता है जहाँ पर लॉसेज आ रही हो, सिर्फ यहाँ पर देखें सारे बिजनेस ये हमें शो कर रहा है प्रॉफिट में, कोई भी सही पिक्चर नहीं मिल रही। इवन यहाँ पर आप देखें हमारा बिजनेस डाउन हुआ है लेकिन ये शो कर रहा है कि हम प्रॉफिट में, सिर्फ इस जगह पे जहाँ पर हमारा बिजनेस लॉस में गया था माइनस के साइन के साथ, इसने वहाँ पर उसको रेड से शो कर दिया। तो ये भी एक तरीका है अपना डेटा शो करने का, डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो स्पार्कलाइन ये वाला है क्योंकि ये आपको बिल्कुल सही पिक्चर देता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस स्टाइल में जा रहा है और मतलब आपको आपको पिक्चर काफी क्लियर मिल जाती है कि मतलब आपका कौन सी प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म कर रही है, कौन सी किसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। हालांकि वो प्रॉफिट में जरूर है लेकिन क्या वो इनफ प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, अगर लॉस में जा रही है तो कितना लॉस में जा रही है, वो सारी पिक्चर्स आपको यहाँ से जरूर मिल जाती है। लेकिन अगर आप जस्ट टू गिव यू द आइडिया, अगर मैं मिसाल के तौर पर ये जो 1170 है, अगर मैं इसको इस लॉस को अगर मैं सिर्फ $100 का लॉस कर दूँ, आप देखेंगे यहाँ पर तो फर्क फिर भी आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका इसने नहीं शो किया कि आप लॉस में, लेकिन इसने आपको कोई पिक्चर चेंज नहीं की, इसने एज इट इज इसको रेड ही रखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे एज सच मतलब नंबर चेंज होने से आपकी पिक्चर्स में फर्क नहीं आ रहा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहेंगे तो आपसे वैसे इधर चेक कीजिएगा, ये आपको सही इम्पैक्ट दिखाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लॉस में शो कर रहे हैं और यहाँ की जो पिक्चर है वो आपकी एज सच कर रही, लेकिन अगर आप इसी को माइनस इनफैक्ट अगर मैं इसको 100 कर दूं, अब आप देखें प्रॉफिट बहुत माइनर सा बढ़ा है, मतलब सिर्फ $100 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसने हमें विन और लॉस के अंदर सबका सब विन में दिखा दिया है, मतलब इतना कोई नहीं है, इसकी शेप पर फर्क नहीं आया। इसमें ये शो कर रहा है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है लेकिन ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है क्योंकि ये बिजनेस 1140 से 100 की तरफ चला गया। तो अगर आपको बिजनेस कंपेयर करना हो, कंपेरेटिव स्टडी करनी हो बिजनेस की, तो मेरा ख्याल में स्पार्कलाइन इज द बेस्ट। बट या आपको जो भी चाहिए हो इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर कंपेरेटिव स्टडी। सो आई होप आपने अपने ये स्पार्कलाइंस के कोर्स की इंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी मजीद वीडियोज को भी आप जब मैं अपलोड करूँ तो देख सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।